तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शनिवार को शुरू हो गया। इस दौरान केंद्रीय उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए दवाओं और वैक्सीन की डिलीवरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध भाषण को शनिवार को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि इसकी भावना में अधिक न्यायपूर्ण, समृद्ध और समावेशी दुनिया बनाने की क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया। ये भवन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ग्रामीण इलाकों की लड़कियों और लड़कों को छात्रावास की सुविधा मुहैया कराएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने चुनाव से एक साल पहले अचानक इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं, भाजपा में ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली जो मैंने पूरी की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को जमानत मिल गई है। शुक्रवार शाम को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। रायपुर जिला अदालत ने 10,000 रुपए के बॉन्ड पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। दिल्ली में शुक्रवार रात शुरू हुई बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। यहाँ 46 साल बाद इतनी बारिश हुई है। मोतीबाग, आरकेपुरम सहित दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है और यहाँ से आने जाने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दख्तरबंद वाहन और सैन्य उपकरण भेजे रूस ने। पंजशीर के सहयोगी तजाकिस्तान को 12 दख्तरबंद वाहन और सैन्य उपकरणों का जखीरा भेजा है। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में मेजर जनरल येवगेनी ने कहा कि तजाकिस्तान की दक्षिणी सीमा के पास बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए हम अपने राज्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। टीएमसी सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने तीसरी बार समन भेजा है। जांच एजेंसी ने उन्हें कोयला तस्करी मामले में पूछताछ के लिए 21 सितंबर को दिल्ली बुलाया है। सरकार ने क्रूड और रिफाइंड पाम ऑयल, सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल के आयात पर लगने वाले बेस इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी है। टैक्स में कटौती का पूरा लाभ कंज्यूमर को मिला तो इन तेलों के दाम में 4 से 5 रुपए प्रति किलो तक की कमी आ सकती है। ओडिशा में पुरी पुलिस ने फर्जी आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट रैकेट चलाने के आरोप में 3 मामले दर्ज किए हैं और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि इस तरह के 2 मामले सिंहद्वार थाने में दर्ज किए गए हैं, जबकि 15 दिन के अंतराल में कुंभरपाड़ा थाने में एक और मामला दर्ज किया गया है। म्यांमार में मिलिशिया और सुरक्षा बलों के बीच लड़ाई में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। गुरुवार को उत्तर पश्चिमी मेकवे टाउनशिप के पास लड़ाई शुरू हुई। एक्टिविस्ट और सैन्य विरोधी बलों ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई करने की अपील की है। हरियाणा के करनाल जिला प्रशासन और किसानों के बीच 2 मांगों पर समझौता हो गया है। एक बस्ताड़ा में हुए लाठीचार्ज की जांच और दूसरी मृतक के परिजनों की डीसी रेट पर नौकरी। एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेज दिया गया है, साथ ही धरना खत्म हो गया है।